तस्वीरें 26 जून की हैं। लोकसभा में जब मेरठ से बीजेपी सांसद और टीवी धारावाहिक रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल शपथ ले रहे थे, अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल, तो सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय अवधेश के नारे लगाए थे। जय श्री राम, जय भारत। नारे लगाने का मकसद साफ तौर पर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश भर थी, क्योंकि जिस भगवान राम के नाम पर बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई थी, जिस पार्टी की बुनियाद ही राम के नाम पर टिकी थी, उसी फैजाबाद सीट पर पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को ना तो भगवान राम का साथ मिला और ना ही अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई फायदा हुआ। जिस सीट पर बीजेपी सबसे बड़ी जीत होने का दावा कर रही थी, वहां से उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार चुके थे। फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,51,581 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट ही मिल पाए। नतीजा, अवधेश प्रसाद 56,000 वोटों से जीत गए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष के साझा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते शुक्रवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बातचीत में अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस भी अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत है। इन्हीं अवधेश प्रसाद को अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चा जोरों पर है। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक कर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? अवधेश प्रसाद पर दाव खेलकर दरअसल इंडिया ब्लॉक दलित कार्ड खेलना चाहता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे फायदा हो सके। अवधेश फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। फैजाबाद सीट में ही अयोध्या शामिल है। अयोध्या में जीत से बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश है। अवधेश प्रसाद दलित समाज का चेहरा है। विपक्ष की योजना किसी भी तरह अवधेश प्रसाद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। अपने नेता से बातचीत करेंगे और हमारे नेता की जो राय होगी और वो जो राय अन्य नेताओं से मिलकर बनाएंगे, तो उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। इधर एनडीए का कहना है, विपक्ष चाहे तो डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव करा ले, वहाँ भी उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर विपक्ष इस पर चुनाव कराना चाहता है तो वो चुनाव में भी आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं, वहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगेगी। देश के 10 प्रांतों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर का पद है। वो एक चार्ट बना के दे दें किस प्रांत में उन्होंने भाजपा को डिप्टी स्पीकर का पद दिया है, अपने 10 प्रांतों में परिवर्तन कर दें, स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भाजपा को दे दें, इसके बाद मांग करें। विपक्ष जब अपनी हठधर्मता से सदन चलने में बाधा उत्पन्न करता है, जब किसी अच्छे काम का विरोध करने का पद बना लिया है, तो सहमति कहाँ बनाना चाहते हैं? सहमति बनाना चाहते हैं पहले बनाई होती, इसलिए हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो समाजवादी पार्टी, ना ही कांग्रेस और ना ही टीएमसी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर उम्मीदवार बनाने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इंडिया गठबंधन में अवधेश प्रसाद के नाम पर गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। विपक्ष परंपरा की दुहाई देते हुए खुलकर सरकार से डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।